हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शरारा पैंट्स या गरारा पैंट्स। इसकी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, तो हाँ आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आप ये ब्यूटीफुल सा गरारा पैंट्स रेडी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए मैंने लिया है 3 मीटर का रेयन कपड़ा। एक साइड से मैं कपड़े को सबसे पहले हाफ में फ़ोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से एक हाफ में फ़ोल्ड करने के बाद हमें दोबारा एक हाफ में फ़ोल्ड कर लेना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे दोबारा फोल्ड कर लिया है। अब एक जगह होगी खुली हुई एंड एक जगह होगी बंद। तो जहाँ पर हमारी बंद जगह है वहाँ पर हम हमारी कोई भी पैंट लेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड इसके ऊपर हम प्लेस कर लेंगे। ऊपर से मैंने डिस्टेंस छोड़ा है इलास्टिक के लिए, तो 3 या 4 इंच आप भी ऊपर छोड़ लें एंड देन प्लेस करें। अब आप मेजर करेंगे कहाँ से आपको नीचे का फ्लो चाहिए। तो मुझे ठीक घुटने से चाहिए था, तो वहाँ तक मैंने मार्क कर लिया है। अब सारी मार्किंग हम कर लेंगे 1 इंच का डिस्टेंस देते हुए इस तरीके से। अगर आपकी जीन्स टाइट है या कोई भी पैंट आप यूज़ करें वो टाइट है, तो आप उस तरीके से 2 या 3 इंच का डिफरेंस दे सकते हैं। क्रॉस एरिया से ऊपर तक स्ट्रेट लाइन मेजर करना होगा एंड यहाँ हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इस मार्किंग को मैं कट कर लूँगी। इन सारी मार्किंग्स को कट कर लेने के बाद मैं हमारे पैंट को ओपन कर लूँगी एंड ओपन करने के बाद जो ऊपर से क्रॉस एरिया तक का जगह है वहाँ पर हमें सिलाई दे देनी होगी उल्टा साइड कपड़ा रखते हुए। तो बेल्ट एरिया से जहाँ पर हमारा क्रॉस एरिया आ रहा है एंड हो रहा है वहाँ तक हम सिलाई दे देंगे दोनों तरफ। एंड ऊपर का जो बेल्ट एरिया है सिलाई देने के बाद हमें 1 इंच अंदर की ओर देन अगेन 2 इंच इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई दे देनी होगी ताकि हम कोई भी इलास्टिक पास कर सकें। तो इस तरीके से मैंने साइड सी लिया है एंड ऊपर का एरिया भी सी लिया है। अब इसे खोल लेंगे। खोल लेने के बाद नीचे का क्रॉस हम सिल लेंगे। तो यहाँ हमने नीचे का क्रॉस भी सी लिया है एंड ऊपर का बेल्ट सीते समय हमने 1 इंच छोड़ा था, सो दैट वहाँ से इलास्टिक पास करने के बाद हम उस एरिया को सी लेंगे। अब यहाँ पर सारी मार्किंग कटिंग एंड स्टिचिंग हो चुकी है। अब नीचे का फ्लो कट करेंगे, जिसके लिए आप सबसे पहले मेजर कर लें आपकी गोलाई कितनी है नीचे की। तो इस तरीके से मेजर कर लूँगी। तो मेरी गोलाई थी 20 इंच। 20 इंच में आप 10 इंच और मिलाए तो हो जाएगा 30 इंच। 30 इंच को हम डिवाइड कर लेंगे 6.28 से। सारे मेजरमेंट के लिए हमें 6.28 से डिवाइड करना होगा। तो इस तरीके से डिवाइड करने के बाद आप एक कपड़ा लीजिए जिसे हाफ में फोल्ड कर लें। हाफ में फोल्ड करने के बाद दोबारा एक हाफ में फोल्ड कर लें एंड नीचे का फ्लो, जो मेरा घुटने से नीचे का लेंथ था वो था 20 इंच। तो 20 इंच का मुझे फ्लो चाहिए नीचे। तो आप इस तरीके से मैं मेजर कर लूँगी 40 इंच पे। 40 इंच के बाद मैं 20 इंच पे इसे फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद ये हो जाएगा मेरा 20 इंच। इसी तरीके से आपको फोल्ड करना होगा एंड इस मेथड से आपका ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने 40 इंच मेजर किया था क्योंकि 40 का इंच होता है 20 एंड 20 हमें चाहिए होगा। तो मेजर करने के बाद सबसे पहले हमें जो हमारे डिवाइड करने के बाद मेजरमेंट आया था उससे हम इसे मार्क कर लेंगे। मेरे केस में आया था 4.7 इंच, तो ऊपर से मैं 4.7 इंच हर तरफ मार्क कर लूँगी एंड देन उसके नीचे से मैं 20 इंच पे मार्क करूँगी। इस तरीके से आपको अपने इंच टेप को मूव करके मार्क करना होगा एंड एक कर्व शेप फॉर्म हो जाएगा। अब इन मार्किंग को कट कर लेंगे। गोलाई में हमने 20 इंच पे एक्स्ट्रा लिया था 10 इंच, वो इसीलिए क्योंकि जब हम इसे हमारे पैंट के ऊपर लगाएंगे तो हमें थोड़ी सी प्लीट देके लगानी होगी ताकि हमारा फ्लो और ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद इस तरीके का सर्कल फॉर्म हो जाएगा अंदर भी एंड बाहर की ओर भी। अब इसे हम हमारे पैंट के साथ अटैच कर लेंगे। पैंट पे अटैच करने के लिए आप अपनी पैंट को सीधे तरफ रखें एंड इस फ्लो को इसके अंदर वेयर करवा दे इस तरीके से एंड देन ऊपर से स्टिचिंग्स दे दे। स्टिचिंग देते समय हमें प्लीट्स लगाना होगा। छोटी छोटी आप प्लीट्स लगा कर इसे ऑल ओवर सी लें तो सो दैट इसका जो घेरा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा।
सो यहाँ मैंने इसे सी लिया है एंड आप देख सकते हैं हमारा गरारा पैंट्स कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है एंड इसको स्टिचिंग करना कितना आसान था। ऐसे ही यही सेम मेथड से हम हमारा सेकेंड पार्ट का भी गरारा पैंट्स स्टिच करेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरीके की इसकी बॉटम के फ्लो की कटिंग कर लिया है, इसे मैं अटैच कर लूँगी इसके साथ सेम मेथड से एंड हमारी दोनों लेग्स का ये रफल तैयार है। इस पैंट्स को बनाने के लिए मैंने सिर्फ यूज़ किया था 3 मीटर का कपड़ा, बट इसका घेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। आप इससे इस तरीके की लेस लगा लें अगर आपको चाहिए जॉइंट्स पे एंड अटैच कर लें, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो आप देख सकते हैं घेरा कितना प्यारा आया है। इस पैंट्स को आप क्रॉप टॉप के साथ या कुर्ते के साथ कैरी करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आपको इस पैंट्स को हैवी बनाना है तो जो नीचे का फ्लो है आप किसी हैवी मटीरियल का रखे, सो वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो गाइज, आई रियली रियली होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो काफ़ी सिंपल लगा हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।